Mig gör. दूसरे दरवाजे से आ जाएं आप। अगर इन्होंने देखा तो पीछा नहीं छोड़ेंगे। यार देखो तुमने आज तो हद ही हो गई। दानिया थैंक्स यार, अगर आज तुम ना होती तो मैं बुरी तरह फंस जाता। थैंक्स अगेन। पता है तुम्हें घर भी पहुंच गए थे, इनकी वजह से आज मैं मीटिंग में भी लेट हो गया। मेंशन नॉट सर, ऑलवेज वेलकम। अच्छा तो फिर मीटिंग कैसी रही आपकी? हाँ अच्छी रही वाकई। इरोल साहब तो यही सुन के खुश हो गए कि याली ने डफने को किडनैप कर लिया है। पता है बजट भी बढ़ा दिया है खुशी खुशी। सुपर्ब। तो फिर आप यालन सर को नहीं बताइएगा ठीक है, और कहिएगा वो इसी तरह से काम करते रहें। लो शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर, देख लो। चलो अब शैतान से बात करते हैं दानिया, आप बोलो यालन। ये क्या बोल रहे थे तुम? हाँ अरे यार कुछ नहीं, खैर तुम सुनाओ क्या हो रहा है और क्या कर रहे हो? सब ठीक है मेरे भाई, मैं और डेफने शादी करने वाले हैं बस। क्या क्या कहा तुमने? अरे आराम से यार, क्या हो गया तुम्हें? बात ये है डेफनी और मैं कल शादी कर रहे हैं। यार तुम इतनी आराम से कैसे बता रहे हो कि कल तुम लोग शादी कर रहे हो? कैसे? क्या वो लोग शादी कर रहे हैं? यस यस यस। ओ दानिया भी वहीं है। दानिया सुनो तुम भी हमारी शादी में आ जाना। दानिश सुनो मैं तुम्हें लोकेशन सेंड कर दूंगा, तुम यशम और सिनान को रात को यहाँ ले आना ठीक है? दानिश सिनान भाई से कुछ मत कहना, उन्हें मैं खुद बता दूंगी ठीक है? चलो दानिश ख्याल रखना, सबको लेकर आ जाना ठीक है? और हाँ दानिया से भी पूछ लेना ठीक है ना? चलो फोन रखता हूँ। हाँ तो क्या कहा सर ने? शादी कर रहे हैं, जाना है तुम्हें? नेकी और पूछ पूछ, मैं तो बिल्कुल जाऊंगी। क्या बात है, चले हाई फाइव करें। दानिया यशिम और सिनान को कैसे पिक करें? मतलब तुफैल भाई तो घर में घुसने भी नहीं देंगे। हाँ सोचो।